ओके बेटा, तो अगर वो लोन पेड नहीं कर पाते थे तो दियर लैंड वाज मॉर्टेज, मतलब उनके लैंड को ले लेते थे, सील कर देते थे। दे हैड टू लुक फॉर अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेट टू सिटीज। और इस तरह से वो जिनकी लैंड ले लिए जाते थे, या तो वो दूसरा कोई रोजगार करते थे या फैक्ट्रियों में काम करने के लिए शहरों की तरफ माइग्रेट करते थे। पीजेंट वर इविक्टेड फ्रॉम द लैंड्स, इविक्टेड मतलब डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। धीरे धीरे किसान जो है अपनी खेती से उनका रुझान उठता गया। कल्टीवेटेड फॉर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है खेती करना का काम धीरे धीरे अब वो बंद करना। दिस क्रिएटेड क्लास ऑफ लैंडलेस पीजेंट, और इससे जो हुआ, जो उनकी ज़मीनें ले ली जाती थी, इससे लैंडलेस मतलब भूमिहीन किसान का एक नया वर्ग तैयार होता गया। इन मेनी प्लेसेस मनी लेंडर्स रिप्लेस द लैंड लॉर्ड एंड टूक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कई प्लेसेस पे मनी लेंडर रिप्लेस द लैंड लॉर्ड्स, मतलब जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसा वाले थे, जो पैसा देते थे टैक्स किसानों को खेती करने के लिए, और जब वो पेड़ नहीं कर पाते तो उनकी ज़मीन ले ली जाती थी, तो धीरे धीरे मनी लेंडर खुद जो है लैंड लॉर्ड बन गए थे। तो ये कह रहा, नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि वो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में कोई अपना दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। मेनी वेयर एब्सेंटी लैंड लॉर्ड, एब्सेंटी लैंड लॉर्ड का मतलब होता है लैंड लॉर्ड्स हु लिव्ड इन अर्बन। भाई एब्सेंटी लैंड लॉर्ड आज भी आप देखते होंगे, बहुत से गांव के लोग हैं जो शहर में सर्विस कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं और अपनी खेती दूसरों को दिए हैं, बट पैसे पर या बटाई पर या। और तो एब्सेंटी लैंड लॉर्ड हु लीज्ड आउट दियर लैंड टू टीनेंट्स एंड लिव्ड इन सिटी, जो अपना रेंट पर खेती दे दिए हैं और शहरों में रह रहे हैं, ऐसे उनको हम एब्सेंटी लैंड लॉर्ड किया कहते हैं। द सेटलमेंट बेनिफिटेड द जमींदार मोर देन द कंपनी, और इस तरह से ये सेटलमेंट जो है कंपनी से ज़्यादा तो जमींदारों को फायदा पहुंचा रहा था। कंपनी बिकॉज एंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट वेन अप द एरियाज अंडर कल्टीवेटेड इंक्रीज। क्या था, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था किसानों से, वेंट अप द एरियाज अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज। अब जो लैंड ले लिए जाते थे किसानों से, वो भी इन्हीं के अंदर में आ जाता था, और इनसे लैंड लॉर्ड को, जमींदार को हिट हो रहा था। हाउ एवर द अमाउंट दे हैड टू पे टू द कंपनी कंटिन्यू टू बी द सेम, जबकि कंपनी को जो पेमेंट करना था वो तो सेम था, और जबकि इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा था। बाई अर्ली 19th century मेनी ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर कन्विंस दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज, और धीरे धीरे कंपनी के कुछ अधिकारियों ने इस सिस्टम को गलत बताना शुरू किया और इसको बदलाव करने के लिए कहा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अगला पेज आपका गया। ओके, पेज नंबर 30, सेकंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आपका है, लैंड सेटलमेंट महलवारी सेटलमेंट आपका दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। महलवारी सेटलमेंट का मतलब होता है, महल मीन्स देखिए, महलवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1822। कब किया गया ये, 1822 में, बाय द हॉल्ट मैकेंजी। नाम याद रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी, इन मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, प्रदेश, पंजाब। इट अकाउंटेड फॉर 30% टोटल कंपनी टेरिटरी का, 30% एरिया पर ये सिस्टम शुरू किया गया।
ये थॉमस मुनरो हैं, रयत वारी जिन्होंने दिया था रयत वारी सेटलमेंट, थॉमस मुनरो। चलिए, महल, महल मीन्स होता है विलेज। तो जो गांव के लंबरदार होते, जिनके पास ज्यादा लैंड रहती थी, उनको जिम्मा सौंप दिया गया, भैया आप जो है टैक्स वसूलिए। तो महल मीन्स विलेज, विच फॉर मैकेंजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। विच फॉर मैकेंजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या था? नीडेड टू बी प्रिजर्व, हेंस द यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज द विलेज और महल, एंड द रेवेन्यू डिमांड वाज मेड कलेक्टिवली ऑन द विलेज। इसलिए उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, मतलब गांव के इम्पोर्टेंस दिया, और वहाँ कि ये जो है कलेक्टिवली गांव के टैक्स को वसूलेंगे और लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इन्हीं का रहेगा जो लम्बरदार होंगे। द विलेज हेडमैन और लम्बरदार, गांव का मुखिया लम्बरदार, कलेक्टेड द रेवेन्यू एंड हैंडेड इट ओवर टू द गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने इस सिस्टम के तहत जमींदारी सिस्टम को समाप्त किया गया। जमींदार जो थे वो थे किसमें, कौन से सेटलमेंट में? परमानेंट सेटलमेंट में। और उसको कौन दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में। सब आप याद रखिएगा, सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बता तो रहे हैं। नोट्स आप बनाइए, पॉइंट वाइज लिखिए, करिए, और हम भेजेंगे भी जो पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का जाएगा, उसमें आपको मीनिंग नोट्स सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप पढ़ते रहिए। हाँ, हेलो, लॉक किया, अरे ओपन हो जाएगा, लॉक किया गया था उस समय जब। हेलो, ठीक है, अभी मेरा वीडियो भी बन रहा है, इसमें और आवाजें ना आए ना। हाँ चलिए, द हेड ऑफ द विलेज फिक्स्ड द रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ लैंड। क्या होता था इसमें, चूंकि इसमें जिम्मेदारी दे दी गई लम्बरदार की या हेडमैन की, कि वो कलेक्ट करके रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को दे। अब जो विलेज का हेडमैन होता था या लम्बरदार, वो फिक्स करता था रेवेन्यू को, बेसिस ऑफ लैंड, किस तरह की लैंड है, फर्टाइल लैंड है, लेस फर्टाइल है या ऊसर लैंड है, उसी के अनुसार वो फिक्स होता था। जबकि परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा कुछ नहीं था, 10 साल के लिए फिक्स कर दिया गया था अमाउंट कि इतना पेड करना है, फसल चाहे अच्छी हो या बर्बाद हो या ना हो। अगला, द टोटल लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड द कस्टम एंड राइट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल ग्रुप। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट विलेज महल हैड टू पे। और उस तरह से जो कल्टीवेटेड लैंड होते थे एग्रीकल्चरल ग्रुप के द्वारा अलग अलग, वो विलेज एडेड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू को, मतलब जो राजस्व होता था उसको कैलकुलेट किया जाता था, और वो महल, मतलब वही है बताया हमने ना, विलेज के द्वारा पेड किया जाता था। महल मींस गांव होता है विलेज, और उसके हेडमैन को लम्बरदार या मुखिया कहा गया। तो ये लोग, किसान लोग, टैक्स जो है किसको देते थे? लम्बरदार को। और लम्बरदार किसको प्रोवाइड कराता था? गवर्नमेंट को। द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। लगभग जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था पूरे ग्राम सभा का, उसका हाफ जो है रेवेन्यू के रूप में पेड होता था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, पीरियडिकली मतलब समय समय के अनुसार जो है इस डिमांड को रिवाइज किया जाता था, चेंज किया जाता था, एंड नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, और इसमें फिक्स नहीं था। हाउ एवर,
इवन अंडर दिस सिस्टम, यहाँ पे आपका है, तो हाउ एवर अंडर दिस सिस्टम द कंडीशन ऑफ पीजेंट रिमेंड पिटेबल. क्या था कंडीशन ऑफ पीजेंट, मतलब किसानों की स्थिति वही पिटेबल, मतलब दयनीय ही रहेगी, कोई उनमें सुधार नहीं आया. एज द हेड ऑफ द विलेज रिटेन द राइट टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू. जबकि हेड ऑफ द विलेज, गांव के मुखिया लंबरदार को ये पावर था कि वो रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट कर सके, रेवेन्यू को कम ज़्यादा कर सके. आपका थर्ड सेटलमेंट है रैयतवारी सेटलमेंट. पुनः जब देखा गया कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा या और चीज़ें, तो उसमें सुधार करने की बात की गई. तो रैयतवारी यार मुनरो, उन्हीं के नाम से है जिन्होंने इसमें किया था, थॉमस मुनरो, मुनरो सेटलमेंट बोलते हैं. मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मुनरो, इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और फिर आसाम. ओवरऑल अकाउंटेड 51%, लगभग पूरे ब्रिटिश टेरिटरी का या कॉलोनियल टेरिटरी का 51% एरिया पर, जो है पार्ट पर, ये सिस्टम लागू किया गया, मुनरो सिस्टम या रैयतवारी. द प्रायर टू मुनरो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड है ट्राई टू रैयतवारी सिस्टम ऑन स्मॉल स्केल इन रियाज दैट वेयर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम टीपू सुल्तान. रैयतवारी, रैयती मीन्स होता है कल्टीवेटर. देखिए सबसे पहले में क्या था, परमानेंट में लंबरदार जमींदार को दिया गया, लैंडलॉर्ड को जिम्मेदारी. दूसरा हॉल्ट मैकेंजी ने जो दिया था महलवारी सिस्टम में, वहाँ गांव का रेवेन्यू जो होता था गांव का मुखिया पेट करता था, आधा करता, मतलब उसको कलेक्ट करके देता था. और यहाँ पर डायरेक्ट कल्टीवेटर्स को दिया गया कि जो कल्टीवेटर्स हैं, जो खेती करने वाला किसान है, वो खुद अपना जो है टैक्स पेड करेगा कोस में. तो इन साउथ इंडिया देयर वेयर नो ट्रेडिशनल जमींदार, वहाँ कोई परंपरागत जमींदार नहीं था. लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द कल्टीवेटर्स, लैंड जो था डायरेक्ट किसानों से संबंधित था, जिन्हों हम रैयोत्स कहते हैं, रैयोत्स. बोथ मुनरो एंड रीड, मुनरो और अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने फेल्ट दैट द लैंड सेटलमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली विद द, इन लोगों ने फील किया कि लैंड सेटलमेंट मतलब व्यवस्था को डायरेक्टली किसानों के हाथ में दिया जाए. दस द सिस्टम केम टू बी नोन एज, और इसीलिए सिस्टम जो है हमारी सिस्टम के नाम से जाना गया. यस उस समय इलेक्शन कहाँ था बेटा, ऐसे मुखिया हेडमैन जो होता था, जो जिसके पास लैंड ज़्यादा होती थी उसी को चुन लिया जाता था लंबरदार या हेडमैन. अरे रियासत आप मालूम है ना, जिनके पास हजारों बीघे खेत होते थे वही, हजारों हेक्टेयर लैंड होते थे रियासत वही होते थे, वही जमींदार कहलाते थे. लैंड या वही होता था. उस समय कोई इलेक्शन सिस्टम नहीं था, ये बहुत ओल्ड सिस्टम की बात हो गई है. उस समय बताया ना किंग रूलर और ये सब प्रिंसली स्टेट, ये सब दौर था ना. आप पढ़िए सेवंथ में पढ़ाया, इधर पढ़िए आगे. ये सिस्टम रैयतवारी सिस्टम कहा गया चूंकि इसमें डायरेक्टली जो है रैयत से रिलेटेड रखा गया, किसानों से संबंधित, चूंकि वहां पे लैंड जमींदार सिस्टम नहीं था साउथ में. द लैंड रेवेन्यू वाज नॉट कलेक्टेड बाय द जमींदार और लंबरदार. लैंड रेवेन्यू, राजस्व जो है, टैक्स जो है, लंबरदार या जमींदार के द्वारा कलेक्ट नहीं होता था. रैयोस आर कल्टीवेटर डायरेक्टली जो है कलेक्ट करके ये गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के खजाने में जाके जमा करता था. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कल्टीवेटर बिकेम लैंड ओनर्स एंड देयर वाज नो इंटरमीडिएटली. और इस तरह से इस सिस्टम के तहत
किसान खुद अपना मालिक था, लैंड ओनर था, और कोई इंटरमीडिएटली मतलब बिचौलिया नहीं था। अब आपका आ गया कॉमर्स लॉ, ये तो तीनों सेटलमेंट हो गए, समझ में आया होगा आपको, वीडियो भी आप देखेंगे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कैसे हुआ, व्यापारीकरण कैसे हुआ, तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस दैट अ पीजेंट ग्रो मोर देन व्हाट ही हैड हिज फैमिली कैन कंज्यूम, मींस अपने परिवार, उसके परिवार में क्या कंज्यूम करना है, मतलब किस चीज़ की नीड है। जैसे कहते नहीं रोटी, मतलब व्हीट जिससे रोटी बनती है, ब्रेड चपाती और राइस चावल, इनकी जगह पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया, तो वही है कमर्शलाइजेशन आप मीन्स। अभी वही बता रहा हूँ, कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक तौर पर, मतलब जिस जो डायरेक्ट इनकम दे, डायरेक्ट पैसा जिससे आप कमाओ। अभी सब्सिस्टेंस फूड जो हमारी नीड है, हमारी नीड क्या है, व्हीट है, राइस जो हमारे घरों को चाहिए, हमें घरों को ओपियम, इंडिगो, कॉटन या चाय, टी और कॉफ़ी थोड़ा चाहिए, भाई पेट किससे भरेगा। तो इसके वही बता नहीं, व्हाट ही हैड हिज फैमिली टू कंज्यूम, व्हाट ही हैड, ध्यान दीजिए, पीजेंट ग्रोज मोर देन, पीजेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ा, मोर देन अपेक्षाकृत किसकी, व्हाट ही हैड हिज फैमिली टू कंज्यूम, उसका परिवार जो कंज्यूम करता था, उसके परिवार में जो राशन लगता, खाना खाया जाता था, उसकी अपेक्षा उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया, एंड सेल्स द रेस्ट इन द मार्केट, और उसको मार्केट में बेचना, और किस लो रेट पर। इट यूजली हैपेंस इन एन इकोनॉमी वेयर द लैंड रेवन्यू इज कलेक्टेड इन कैश रेदर देन एज पैड्स ऑफ प्रोड्यूस, क्या कह रहा, और लैंड रेवेन्यू जो है कैश के रूप में जमा होने लगा। इस जो पहले लोग तब क्या सुन, क्या ध्यान दे रहे हो आप, तब फिर ब्रिटिश पीरियड कब था हमारे यहाँ, बोला मैंने एक ना वीडियो भी बना रही है, औरों लोगों के लिए जाएगा, अभी बाद में पूछिएगा आप अगर कोई उस तरह का क्वेश्चन होगा तो, अभी जब वीडियो आप कर देंगे, अभी सारा ईयर बता रहा हूँ भाई, ये सेटलमेंट कब था, अभी 1822 की बात मैंने बताया ना आपको कि महलवारी से सेटलमेंट चल रहा था, और उसके बाद जो है रायतवारी सेटलमेंट आया, ये सब 1857 के पहले की बात हो रही है, 1857 क्रांति के पहले की बात हो रही है, ब्रिटिश पीरियड है। बुक लीजिए और एक दूसरे से भी अगर मिल जाए तो लीजिए, और हम तो पेज इसलिए बोल रहे हैं, पेज आप सेव कर लीजिए, पेज पर ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझिए, कहाँ हम पढ़ा रहे हैं, केवल ऐसे सुनोगे थोड़ा समझ में आएगा, उस लाइन को देखिए ना किसकी मीनिंग्स एक्सप्लेन हो रही है। तो अब क्या था कि हैपेंस इकोनॉमी वेयर द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन कैश, तो लैंड रेवेन्यू जो था कैश में कलेक्ट हो रहा था, मजबूरन किसानों को अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना पड़ता था। पहले तो क्या था, जो प्रोडक्ट होता था जैसे धान गेहूं पैदा हुआ, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने दे दिया, तो नगद नहीं देना पड़ता था। अब तो क्या करते थे, लो रेट पर मार्केट में इनके सामान को लो रेट पे खरीदा जाता था, और खाने के लिए इन्हें मार्केट से हाई रेट पर, अब तो जो सेल्फ सफिशियंसी थी, जो कल्टीवेटर्स हमारे सेल्फ सफिशियंट थे, स्वतंत्र थे, वो क्या हो गए, निर्भर हो गए इन पर, मार्केट पर, और इनकी जीविका भी अब क्या हो गई, मतलब एक तरह से इम्पोरिशमेंट, मतलब गरीब होते चले गए, खाने के लिए भी इनके पास अपना अनाज नहीं रहता था, क्योंकि इनको मजबूरन कमर्शियल क्रॉप ग्रो करना पड़ता था।
चलिए आज का आपका लास्ट पेज है, एक पेज और ध्यान से समझिए। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, या आप मैप देखिएगा समझिएगा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज द आउटकम ऑफ द थ्री लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। जो तीन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हम लोगों ने पढ़ा, परमानेंट और उसके बाद फिर हॉल्ट मैकेंजी मतलब महलवारी सेटलमेंट, उसके बाद मुनरो सेटलमेंट रायतवारी सेटलमेंट, इसके दीज सेटलमेंट वर बेस्ड ऑन कैश पेमेंट। किस पर थे ये? कैश पेमेंट, नगद टैक्स पेड करना पड़ता है। एंड वंस इन प्लेस एग्रीकल्चर कमर्शलाइज रैपिडली, धीरे धीरे कृषि का, हेलो आवाज नहीं बेटा, कमर्शलाइजेशन हो रहा था तेजी से, व्यापारीकरण मतलब कमर्शियल क्रॉप, जैसे आज हम लोग कैश क्रॉप ग्रो करते हैं गन्ना शुगर केन, ये कैश क्रॉप है। तो ऐसे ब्रिटिश भी चाहते थे कैश क्रॉप ग्रो, जिससे उनको नगद पैसा मिले। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द जमींदार लम्बरदार एंड रायोती, सब वर्ग के लोग, जमींदार हों चाहे लम्बरदार हों चाहे छोटे छोटे किसान, हैड टू मेक प्रोविजन फॉर कैश। दे सोल्ड अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट, अपने प्रोडक्शन को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना पड़ता था टू बी एबल टू पे कैश रेवेन्यू, तभी तो वो जो है कैश ले जाकर के उनके खजाने में जमा कर सकते थे। यहाँ पे आप देखिएगा लाइन, ये इन द रूरल एरिया एरिया में द प्रैक्टिस ऑफ फोर्स कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन कमर्शियल क्रॉप, आवाज नहीं बोलोगे तो क्या समझ में आएगा बेटा, कमर्शियल क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन मतलब जो प्लांट किया जाए जैसे कि कॉफी टी रबर। पीजेंट वर एनकरेज टू कल्टीवेट हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप, किसानों को भी एनकरेज किया जाता था कि वो हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करें। हेलो हेलो बेटा, किसके तरफ से आवाज आ रही, म्यूट करिए अपना। अगला हेडिंग है आपका इम्पैक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इसका प्रभाव हुआ एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन का, व्यापारीकरण का, मतलब व्यापारिक स्तर पर जो खेती होना शुरू हुई। कमर्शियल क्रॉप वर ऑफन कल्टीवेटेड एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप, किसके बेस पर, किसकी कीमत पर उगा रहे थे, फूड क्रॉप के, मतलब फूड क्रॉप मीन्स आपका व्हीट और राइस दो मेन फूड क्रॉप है जिस पे पूरा लोग डिपेंड होते हैं, यही हमारा स्टेपल फूड है। इसके जगह पर जो है कमर्शियल क्रॉप की खेती होना शुरू हुई। द प्लांटर्स यूज द फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स दमन होता है, फोर्स द पीजेंट टू कल्टीवेट देम। जो प्लांटर्स थे बड़े बड़े, ये किसानों का शोषण करते थे और दिस लेड टू द इम्पॉरिशमेंट, और इससे जो है किसानों में गरीबी और बढ़ गई। पहले आत्मनिर्भर थे, अब वो इन पर डिपेंड हो गए, प्लांटर्स पर। सिंस दीज क्रॉप्स वर सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट, कहा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता था ये प्रोडक्ट, दियर डिमांड फ्लक्चुएटेड वाइडली, और इनकी डिमांड मतलब वाइडली फ्लक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव जिसको कहते हो आप। इन द ईयर्स ऑफ गुड हार्वेस्ट, जब फसल अच्छी होती थी तो डिमांड कम हो जाती थी, रेट डाउन हो जाता था, इट बेनिफिटेड द पीजेंट, बट इन केस ऑफ पुअर हार्वेस्टेड द पीजेंट सफर्ड। तो उस समय किसानों को तो फायदा होता था, लेकिन जब फसल अच्छी नहीं होती थी तो किसान को बहुत बैडली सफर्ड मतलब बुरी तरह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बिकॉज मच ऑफ द लैंड वाज सेट एसाइड फॉर नॉन फूड क्रॉप, पीजेंट डिड नॉट हैव इनफ टू इट। अब किसान को अपना तो धान गेहूं खेती करता नहीं था वो ज़्यादा, इसलिए उनके पास खाने के लिए साल भर के लिए इनफ फूड ग्रेन भी नहीं रहता था, और मजबूरन उनको मार्केट से हाई रेट पर लेना पड़ता था। एवन फेमाइन मतलब डिजास्टर के समय, फ्लड या ड्रॉट के समय, बिकम स्टैंडिंग फीचर बंगाल फेमाइन 1770। कल भी हमने इसकी बात किया था, 1770 में जो बंगाल में
सबसे बड़ा कैलेमिटीज आया था, सूखा। उस समय करीब लाखों लोग जो है भुखमरी से मरे थे। द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल के समय वो इंडिया का सबसे बड़ा फेमाइन था। और उसके बाद कब आया था, 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय भी बंगाल में फेमाइन आया था। मार्क इट्स क्लोजिंग ईयर। तो ये आपका आज का वीडियो है, आज आपका एक चैप्टर था।